दोस्तों, आपने अपने आने वाले फिजिकल की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और ऐसे समय पर अगर एक इंजरी आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। दोस्तों, जब आप रनिंग के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंजरी के चांसेस रहते हैं अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं। एक छोटे से लॉजिक के साथ समझिए, अगर आप कोई भी गाड़ी है, अगर आप उसको पहले गियर से स्टार्ट करने के बजाय अगर आप हमेशा फोर्थ गियर थर्ड गियर से स्टार्ट करोगे तो उसका इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसी तरह ये सेम प्रोसीजर हमारी बॉडी का है। अगर आप सुबह उठ के रनिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं अपनी फिजिकल की तैयारी करने के लिए और जाते ही अगर आप सीधा दौड़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है आपके बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाए, आपकी बॉडी में कुछ न कुछ डेफिशिएंसी आने लगे। दोस्तों, कुछ साल पहले तक मैं खुद भी और आजकल भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, युवा साथियों को प्रैक्टिस करते हुए वो सुबह जाते हैं और जाते ही सीधा रनिंग शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंजरी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाते ही अपना बॉडी में थोड़ा मोबिलिटी और लाइट वार्म अप करना बहुत जरूरी है। मोबिलिटी में हमारे पूरे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स है उनका मूवमेंट आता है और उसके बाद में हमारा लाइट वार्म अप। उससे क्या होगा, आप सो के उठ के आते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो मसल्स और जॉइंट्स रहते हैं वो एक रिलैक्स मोड में रहते हैं। जब आप मोबिलिटी करोगे और लाइट वार्म अप करोगे तो उससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स है और जो मसल्स है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, उन्हें पता चलने लगता है, उन तक मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ अब हमारे ऊपर लोड पड़ने वाला है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। उसके बाद में आप अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मोबिलिटी और लाइट वार्म अप के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही अगर आपने हमारे दूसरे चैनल रॉकस्टार पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी दिया है, तो आप वहां पे जाके वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हमारे मोबिलिटी पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे वार्म अप सेशन पे। तो मोबिलिटी में स्टार्ट करते हैं पहले नेक रोटेशन से। पहले हमें हाफ रोटेशन करना है, पहले रियर टू फॉरवर्ड कर सकते हैं या फॉरवर्ड टू रियर। जितना आप आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं उतने ही बार आपको पीछे की तरफ भी मूवमेंट करना है। बाद में आपको अप एंड डाउन मूवमेंट करना है, स्लोली डाउन स्लोली अप, वन लेफ्ट एंड राइट। जब भी आप मोबिलिटी करते हो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मूवमेंट फास्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्लो मूवमेंट करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे शोल्डर रोटेशन के ऊपर। आपको धीरे धीरे स्लोली रोटेट करना अपने शोल्डर्स को, पीछे से आगे की तरफ या आगे से पीछे की तरफ, दोनों साइड में करना है। जितनी बार आप एक साइड में एक डायरेक्शन में करते हो उतने ही टाइम्स आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी बार करना है। बाद में हम रिस्ट रोटेशन पर आते हैं। स्लोली अपने रिस्ट को फिस्ट क्लोज करके हल्का सा रोटेट करना है, पहले बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ दोनों साइड में। बाद में फिंगर्स मूवमेंट, पूरा आपको अपनी रिस्ट को पूरा स्क्वीज करना, पूरा टाइट करना है एंड फिर लूज करना है। बाद में हमारे एल्बो जॉइंट्स का मूवमेंट करना है। शोल्डर रोटेशन को आप इस तरह से भी कर सकते हो स्टैंडिंग पोजीशन में, अपने आर्म्स को रिलैक्स छोड़ के दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद आते हैं हम हमारे हिप मूवमेंट पे। हिप मूवमेंट भी सेम, पहले आगे से पीछे और फिर पीछे से आगे की तरफ हाफ रोटेशन करना है। इसके बाद हम अपने लेग्स को आगे की तरफ आगे पीछे स्विंग कर सकते हैं मूवमेंट में और साइड में और अदर लेग साइड में। बाद में हम आते हैं हमारे नी जॉइंट के ऊपर। नी जॉइंट में आप नॉर्मल हाफ स्क्वाट कर सकते हो, स्लोली, ज्यादा फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है और ऊपर आना है, स्लो मूवमेंट। 5 से 6 बार आप ये मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद में हम एंकल रोटेशन पे आते हैं अपने एंकल जॉइंट के ऊपर। आपको स्लोली एक डायरेक्शन में रोटेट करना है
स्लो रोटेट करना, पूरा सर्कल बनाना है, उसके बाद आप दूसरे डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हो। इसके बाद आप इसको अपने एंकल्स को ऊपर नीचे अपने टो को कर सकते हो इसमें, उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट। सेम आपको दूसरे पैर से भी सेम रोटेशन करने हैं, जितने राइट लेग से किए उतने ही रोटेशन आपको लेफ्ट लेग से भी करना है। अप एंड डाउन मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे हमारा मोबिलिटी खत्म होता है। हमारे जितने भी जॉइंट्स मूवमेंट रहते हैं उसका हमें थोड़ा सा मूवमेंट किया है, जिससे कि वो अभी रिपेयर हो गए हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे लाइट वार्म अप की तरफ और स्ट्रेचिंग की तरफ। मोबिलिटी सेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे लाइट वार्म अप और थोड़ा स्ट्रेचिंग की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा इधर से उधर मूवमेंट करके दिखाऊंगा। आप कंटिन्यू स्ट्रेट भी जा सकते हैं ये मूवमेंट्स करते हुए, अलग अलग मूवमेंट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, टो के ऊपर वॉक करना है, हल्का सा पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। बाद में डाउन अपने टो को ऊपर रखते हुए एक दो पर स्ट्रेच, बेस के बाद में आराम से अपने साइड में स्ट्रेच, दोनों हाथों से लोली डाउन, ज्यादा जर्क नहीं लगाना है, आराम से होल्ड करना है, लोली अप आना है धीरे, अपने लेग्स को अपार्ट करना है, थोड़ा सा अपने लेग्स की स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे कि जब हम रनिंग करेंगे तो हमारा पूरा लेग्स है वो स्ट्रेच अप हो और इजिली हमारे जो स्टेपिंग है वो इजिली आराम से स्टार्टिंग से ही हम अच्छे से दौड़ पाए। दोनों हाथों से आगे की तरफ रीच करना है मैक्सिमम, उसके बाद में साइडवेज रीच करना है मैक्सिमम, पीछे की तरफ मैक्सिमम एंड ऊपर आना है, पीछे की तरफ देखना है। थोड़ा सा अपने पैर को थोड़ा सा क्लोज रख के अपने दोनों एल्बोज को अपने नीज पे रखना, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे अपने एल्बोज से नीज को बाहर की तरफ पुश करना है, होल्ड करना है स्लोली आराम से। उसके बाद अपने लेफ्ट नी को ऊपरी तरफ खींचना है मैक्सिमम, पुल करना है एंड डाउन, दूसरे पैर को स्लोली स्ट्रेच अप एंड डाउन। उसके बाद में इस तरह से अपने इस पैर को ऊपरी तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है, अपने जिसमें मसल पे स्ट्रेच होता है वहां पे फील करना है अपने मसल्स को डाउन। बाद में अपने एंकल को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, डाउन करना है, दूसरा पैर सेम थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए लैटरल स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा दूसरी साइड सेम साइड एंड बाद में मूवमेंट करना है। थोड़ा सा रनिंग में थोड़ा धीरे धीरे स्लो जॉग करना, पहले हल्का सा आपको हर मूवमेंट 20 से 30 मीटर तक करके जाना है, उसके बाद में आप हाई नी रनिंग कर सकते हो। अपने किक फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने पैरों से आगे की तरफ किक करना है, तो आते हैं बट किक, चेंज करना है बाद में होपिंग, फिर से हाई नी रनिंग, फास्टर मोर फास्टर, डाउन टच करना है हर थर्ड स्टेप पे, छोटे स्प्रिंट, तो दोस्तों अगर आप ये 5 से 7 मिनट का अगर
वार्म अप भी करते हो रनिंग से पहले, तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे तो लाइट वार्म अप में बहुत सी एक्सरसाइज है, बहुत से वर्कआउट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अलग अलग एक्सरसाइज लेके आऊँ वार्म अप की, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।